हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सोल्डरिंग आयरन के ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम सोल्डरिंग आयरन को किस किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। और अभी तक भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कौन कौन से सोल्डरिंग आयरन यूज में लेता हूँ, यानी कि कितने कितने वाट के सोल्डरिंग आयरन अपने वीडियो में यूज में लेता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये है 25 वाट का सोल्डरिंग आयरन, इसके बाद में है 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन, और इसके बाद में है 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, तो ये तीनों ही सोल्डरिंग आयरन मैं अपने वीडियो में यूज में लेता रहता हूँ। तो जैसे बारीक काम करना है तो मैं ये वाला सोल्डरिंग आयरन यूज में लेता हूँ, और इससे मोटा वाला काम करना है तो ये वाला। और मुझे चाहिए कि यार काफी मोटी चीज को पिघलाना है, यानी कि जहां पर काफी सारा सोल्डरिंग आयरन पिघलाना है या लगाना है, तो फिर मैं यूज में लेता हूँ ये 60 वाट का सोल्डरिंग आयरन। और यही फ्रेंड्स हकीकत है सोल्डरिंग करने के लिए कि कौन सा सोल्डरिंग आयरन कब काम में आता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है फ्रेंड्स। और वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये वाला सोल्डरिंग आयरन सबसे ज्यादा यूज में लेता हूँ, जो कि 30 वाट का है। और काफी दोस्तों ने तो कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा है कि सर आप कौन से कंपनी का सोल्डरिंग आयरन यूज में लेते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर है मेरे पास ये साइरन कंपनी का सोल्डरिंग आयरन, जो कि काफी अच्छा आता है। और ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी इसी कंपनी का है। ठीक है, और इसका पता नहीं फ्रेंड्स ये कौन सी कंपनी का है, EGO कुछ लिखा हुआ है। तो ये काफी पहले मैं लेके आ गया था, उसके बाद में मैंने साइरन कंपनी के ही सोल्डरिंग आयरन लिए हैं। ठीक है, और अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस 60 वाट वाले सोल्डरिंग आयरन के अंदर आपको इसकी यूजफुल ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, इन दोनों को तो मैं रख देता हूं साइड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसकी अलग अलग प्रकार के बिट बना के इसको यूज में लेने वाले हैं, और जहां जहां पर भी ये यूज में आएगा फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट जगह ये काम में आने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसकी पहले नंबर वाली यूजफुल ट्रिक्स बताता हूं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं सबसे पहले इसकी बिट को खोल लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले लेना है हमें इस तरह का स्क्रू ड्राइवर का बिट। कई बार फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर का पीछे वाला ये वाला हिस्सा टूट जाता है और हमारे पास बचता है सिर्फ ये वाला बिट। और आप चाहे तो फ्रेंड्स इसकी जगह दूसरी चीज भी ले सकते हैं और उसको आप आगे से इस तरह से धारदार बना लीजिएगा। वैसे मैं इसको और भी ज्यादा धारदार बनाने वाला हूँ, साथ ही फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से कट करेंगे और फिर बताता हूँ फ्रेंड्स इस बिट के द्वारा ये सोल्डरिंग आयरन किस तरीके से काम करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बिट को तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके की ये बिट बना ली है और आप इसकी धार देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए, मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। तो चलिए, मैं इसको सोल्डरिंग आयरन के अंदर डाल लेता हूँ। और अब चलिए, मैं इसको 220 वोल्ट एसी के अंदर लगा देता हूँ और फिर करवाऊंगा फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग। तो चलिए एक बार इसको गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गर्म हो चुका है और अब देखिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पीवीसी शीट ले ली है और ये देखिए ये इसको किस तरीके से कट करता है, ये देखिए फ्रेंड्स। देख सकते हैं, तो काफी अच्छी तरीके से इसको इसने कट कर दिया है। और आप देखिए, यहां पर मैं एक गोला कट करता हूं इसके द्वारा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अब देखिए, इसके अंदर से मैं इसको वर्गाकार या आयताकार कट करके दिखाता हूं फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से,
देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसको इस तरीके से कट कर दिया है। तो इस तरीके की बिट बना के फ्रेंड्स आप सोल्डरिंग आयरन को इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो ये थी सोल्डरिंग आयरन की पहली ट्रिक, और अब बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको इसकी दूसरी ट्रिक। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले पावर में से निकाल लेता हूँ, और अब देखिए इसकी बिट को खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स आपने इस तरीके के नट बोल्ट तो देखे ही होंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें नट नहीं चाहिए, सिर्फ बोल्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये वाला बोल्ट मैं यूज में लेने वाला हूँ। तो आप भी अपने सोल्डरिंग आयरन की नाप का बोल्ट लगा सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई ये क्या काम में आएगा, तो ये ट्रिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए कस देता हूँ मैं सबसे पहले इसको, और अब चलिए फ्रेंड्स इसको हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस बिट को यूज में लेने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यार हमारे घर के अंदर प्लास्टिक की बाल्टी, कोई डिब्बा या फिर कोई भी प्लास्टिक का आइटम हो सकता है वो टूट जाता है बीच में से, तो हम उसको किस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है साबुन रखने की साबुनदानी, और देखिए ये किस तरीके से टूटी हुई है। और अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसको जोड़ के बताता हूँ इस सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, क्योंकि हमने इसके अंदर एक अपडेट बिट लगा दी है। और देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से जुड़ जाएगी हमारी साबुनदानी। तो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ एक बार। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से ये जुड़ गया है, और बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यार यहाँ से ये टूटा हुआ था। तो ये तो हो गई हमारी साबुन रखने की साबुनदानी रिपेयर। और अब देखिए आपको मैं थर्ड नंबर वाली यूजफुल ट्रिक बताता हूँ। तो फ्रेंड्स यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स ये है ड्रिल बिट, लेकिन हमें चाहिए इस तरह की टूटी हुई बिट, और आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और इसके अलावा लेंगे फ्रेंड्स हम एक टिन कनस्तर की चद्दर, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पहले भी यूज किया है इसको। तो हमें इसके अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए, और वो क्यों चाहिए वो मैं आपको विद टेस्टिंग बताऊंगा ही। फिलहाल हम देखिए इसको हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, और अब देखिए इस पत्ती की मैं एक 19mm x 12mm की डिजाइन बनाने वाला हूं। तो देखिए वो किस तरीके से बनेगी और उसका हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए इसके बीच में मैं होल कर लेता हूं एक, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, और अब देखिए इसको हम इस बिट के अंदर इस तरीके से फिक्स कर देंगे। तो यहां पर देखिए मैं इसको एम सील के द्वारा फिक्स कर दूंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर हमने इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया है, और अब ये आधे पौन घंटे के अंदर फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स हो चुका है, ठीक है। और अब देखिए इसको हम इस सोल्डरिंग आयरन के अंदर लगा देते हैं इस तरीके से, ये लीजिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या काम में आएगा, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह का जो स्विच होता है इसके हम काफी सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, और ऐसे में अगर हमें स्विच की कटिंग करनी है स्विच को लगाने के लिए, तो हम बिल्कुल आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने 19x12 इसकी साइज ली थी, वो इसीलिए ली थी फ्रेंड्स इस स्विच को लगाने के लिए। और इसको हम गर्म होने देते हैं, तो इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अभी इसके अंदर MCL की धुआं उठ रही है, जो कि थोड़ी देर के अंदर बंद हो जाएगी। फिलहाल देखिए मैं आपको यहां पर कटिंग करके बताता हूं इस स्विच के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से कटिंग होगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पर स्विच के लिए कटिंग हो गई है, और ना ही यहाँ पर हमें कोई आरी चलानी पड़ी और ना ही रोटरी मशीन। और देखिए मैं आपको स्विच को लगा के बताता हूँ इसके अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल स्विच का नाप का मैंने बनाया है, ठीक है।
तो चलिए एक बार मैं इसको निकाल लेता हूँ। कहाँ चला गया यार। और अब देखिए इस वाले पीवीसी शीट के अंदर हम इसको निकालेंगे, क्योंकि यार आप सोच रहे होंगे कि यार मुकेश भाई ये तो पतली वाली शीट है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस मोटी वाली शीट के अंदर भी आपको ये निकाल के बताऊंगा स्विच का होल। तो चलिए करते हैं, देखना फ्रेंड्स। तो ये देखिए जो ब्लैक ब्लैक सा है, ये सोल्डरिंग आयरन का ऑलरेडी लगा हुआ था, जो कि पहले वाली शीट का ये लग गया है, तो ये उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इसके अंदर भी हमारा जो स्विच है वो बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कितनी जल्दी ये निकल गया है इसके द्वारा। तो फ्रेंड जब भी आप इसे यूज में लो, एक बार इसे जरूर से साफ कर लीजिएगा, ताकि जो ब्लैक ब्लैक सा इसके पीवीसी शीट का चिपका हुआ है वो उतर जाए, और अगली बार जो हम होल करें वो बिल्कुल क्लीन हो। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको मिनी स्विच की कटिंग करनी है तो आप इसके लिए भी इस तरह का छोटा जुगाड़ बना सकते हैं। तो ये सारे जुगाड़ फ्रेंड्स मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आप मिनटों का काम सेकेंडों में कर सको। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है यार वो भी इसी तरह के टिप्स ट्रिक्स का इंतजार कर रहे हो। साथ ही फ्रेंड्स यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।